दोस्तों नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपका अपना, नाम है जुनैद। अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ जागा प्रशासन। जिले में हो रहे अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ खनिज विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग। मामला गाड़ासरी थाना अंतर्गत, विगत रात दो ट्रैक्टरों पर जबरदस्त एक्शन मूड पर प्रशासन मिली। सूत्रों से जानकारी अनुसार रेत से भरा ट्रैक्टर जब्त कर कार्रवाई की गई है। संबंधित अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार गोरखपुर के दो ट्रैक्टर मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कहा जा रहा है कि सिवनी संगम नदी की ओर से दो ट्रैक्टर रेत लेकर आ रहे थे। मौके पर खनिज विभाग के अधिकारी व राजस्व विभाग SDM मंडलोई मौके से रेत से भरा वाहन जब्त कर पंचनामा तैयार कर संबंधित थाना गाड़ासरे प्रभारी के मौजूदगी में सुपुर्द अवैध उत्खनन के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए जिले में माफिया के खिलाफ मातम सा छाया हुआ है। कार्रवाई में पकड़े गए वाहनों में एक गाड़ी गोरखपुर निवासी भुवनेश्वर पिता कृष्णलाल हस्तपुरिया की बताई जा रही है, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता की बताई जा रही है। वहीं दूसरी गाड़ी भी दबंग नेताजी के नाती की बताई जा रही है। इसी तरह की देश दुनिया के साथ अपने आसपास की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज़ और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।